पड़े पर पाग नहीं आहा जो धर्म निभाऊला। मैं भूख मरूं चाहे प्यास मरूं पर मेवाड़ धरा आजाद रखूं। एड़ो अखंड धरती रे माथे चलन वाला मेवाड़ी महाना प्रताप रे चरणों में कोटि कोटि वंदन कर। एक बार पूरे पांडव से हमारा निवेदन है कि जब बात सूर विदारी आवे तो दोनों हाथ का और इतने प्रेम से जय घोष करो और बताओ कि महाराणा प्रताप आप इन धरती वास्ते बहुत सराहनीय कार्य करा गया। आप बलिदान धरती माते सर्वप्रिय हमारे आपको। देखिए पद्मावती सहित 16,000 रानियां एक साथ अग्नि कुंड के अंदर प्रवेश कर गई। अगर वो चाहती तो मुगलों के साथ अपना घर बसाती लेकिन ऐसा नहीं किया। मेरी आने वाली पीढ़ी ये हिंदू भगवान लेकर दुनिया के सामने चल सके और सीना चौड़ा करके और अपनी नाक उठाकर चल सके इसलिए वो 16,000 रानियां एक साथ अग्नि कुंड के अंदर प्रवेश कर गई। मेरी आने वाली सीनी मेरी आने वाली पीढ़ी अपना सीना चौड़ा करके चल सके इसलिए वो मेवाड़ी महान प्रताप जंगलों में अपने परिवार के साथ का उम्र भटकते रहे। मेरी आने वाली पीढ़ी अपनी नाक उठाकर चल सके इसलिए वो हारी रानी ने अपने पति व अपने प्रियवर को युद्ध भूमि में जाता देख अपना शीश काटकर थाली में परोस कर दे दिया। देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं पर देवी देवताओं से भी पहले वीर पुरुषों का उदय रहता है इस राजस्थान और सत्य सनातन धर्म में। क्यों हल्दी घाटी में शीश कटा और खून बहा था नालों में। हल्दी घाटी में शीश कटा और खून बहा था नालों में। तब जय ओमकार करके शिव बैठा था शिवालों में। इस शिव को यहाँ तक लाने के लिए बड़े शीश कटे हैं लाशों के ढेर लगे तब भगवान हमारे पास सही सलामत पहुंच चुके। इलान देवो अपनी महाल रियो हुलराए और पूत सिखावे पालने मन बढ़ाई माए। एक समय था जब अपने बच्चों को पालने के अंदर शिक्षा दी जाती थी कि मेरे लिए कुछ कर पाए ना कर पाए इस बात का मुझे, लेकिन जब बात मातृभूमि की आए तो मर मिट जाना पर कभी किसी के आगे शीश मत झुकाना।